अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नांदेड़ न्यूज में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। संजय राउत जी ने क्या बताया? एकनाथ शिंदे के बारे में कहा कि अगर जरूरत है एनडीए से अलग हो जाएंगे। नहीं नहीं, उनको वो उनका अधिकार है। पहले जो तय हुआ था कि 5 साल के लिए महाविकास आघाड़ी का गवर्नमेंट टिकना चाहिए, चलना चाहिए, उन्होंने तो बहुत दफा कहा कि ये 5 साल नहीं 25 साल टिकने वाला है, ऐसा भी स्टेटमेंट उन्होंने किया है। अभी वो जो आपने सवाल पूछा वो स्टेटमेंट जरूर उनका हमने सुना है, वो उनका अधिकार है। उन्होंने किस कारण ये स्टेटमेंट किया है उसके बारे में मुझे खुद पता नहीं, लेकिन मैं उनके वरिष्ठ नेता उद्धव ठाकरे साहब जी को पूछूंगा कि ऐसा ऐसा स्टेटमेंट आया है, आप उसके आपके मन में दूसरा कुछ है क्या? मेरे ख्याल से वैसा कुछ नहीं होगा। कभी कभी थोड़ा बहुत लोगों को वापस बुलाने के लिए भी वो स्टेटमेंट कर सकते हैं, वो लेकिन वो उनका अधिकार है। वो सबसे ज़्यादा विधायक उनके थे और विधायकों को बहुत दफ़ा ज़्यादा से मेजॉरिटी विधायकों का कुछ कहना हो तो पार्टी उनका सुनती है। अगर उन्होंने वैसा डिसीजन लिया तो उसके बारे में हमें कोई कमेंट्स करने की जरूरत है। मैं भाजपा को आह्वान करता हूं, अगर महाराष्ट्र में अल्पमत में सरकार आई है तो उन्हें नो कॉन्फिडेंस लाना चाहिए, बात करना चाहिए कि एक्चुअली ईडी का डर बताकर जिस तरह से महाराष्ट्र की सरकार को अस्थिर करने का जो काम बीजेपी सरकार केंद्र के माध्यम से कर रही है तो उन्हें बताना चाहिए आगे कि नो कॉन्फिडेंस के लिए सरकार तैयार है, पर वो नहीं करेंगी क्योंकि इस महाभारत के मूल वही है और वो राज्य में अस्थिरता बनाकर राज्य की जनता का नुकसान करना चाहती है बीजेपी, और इसी तरह अस्थिरता बनी रहेगी तो राज्य की जनता का नुकसान होगा। संजय राउत का बयान जो है वो उनके पार्टी के अंतर्गत मामले का है, वो महाविकास आघाड़ी के बारे में नहीं है। और हम लोग पूरे सचेत है, आज हमारी जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग में भी इस विषय की चर्चा हुई है, हम पूरे इस मामले पे नजर रखे हुए हैं और महाविकास आघाड़ी के साथ कांग्रेस खड़ी है। म्हणून मी तुम्हाला संख्येचा विषय तुम्ही जो उपस्थित करताय मी त्या संख्येच्या बद्दल सांगितलेला आहे की ज्या भाजपनी हा महाराष्ट्रामध्ये महाभारत घडवलेला आहे ती भाजप अजून चूप का आहे? अजूनही त्यांच्याजवळ संख्या नाही, ज्यांना सत्तेची लालसा जी भाजपला पडलेली आहे पार्टीची सरकार पडल्यानंतर तिन्ही हे केलेली गडबड आहे ईडीच्या माध्यमातून आणि त्याच्या माध्यमातून हा सगळा दहशतवाद या पद्धतीनं लोकशाहीचं खून करण्याचं काम बीजेपी केंद्राच्या सत्तेच्या आधारावर करते आहे। ती बीजेपी का चूप बसलेली आहे? त्यांच्याजवळ संख्याबळ नाही आणि म्हणून ती चूप बसलेली आहे। देखो हमारी रेगुलर मीटिंग थी ऑलरेडी, हमारे प्रभारी एच के पाटिल साहब यहाँ पे है और इसलिए हमारे सभी प्रमुख नेताओं की मीटिंग उनने ली थी। ये हमारी रेगुलर मीटिंग थी 5 बजे की, संजय राउत के बयान के ऊपर ये मीटिंग नहीं हुई है। एनसीपी पहलेच आमच बयान आलेला आहे, त्याच्यामुळे एनसीपीनी काय बयान दिलं मला माहिती नाही, पण आम्ही महाविकास आघाडी बरोबर आहोत। महाविकास आघाडीमध्ये समजा सेनेचा जो प्रश्न आहे सेनेचं काय निर्णय घेतं त्याच्यावर आहे, वेळ आला कारण की आमच्या नेत्या सोनिया गांधींनी एका विपरीत परिस्थितीमध्ये ही महाविकास आघाडीला सपोर्ट केलेला होता हे सगळ्यांना माहिती आहे, एका कॉमन मिनिमम प्रोग्रामच्या आधारावर याला सपोर्ट केलेला होता। आणि आज जी काय स्थिती झालेली आहे, आम्हाला ऑलरेडी महाराष्ट्रामध्ये विरोधाचं मँडेट दिलेलं होतं, जनतेचं काम करायचं, विरोधाच्या माध्यमातून लोकांना न्याय देण्याची भूमिका होती, आम्ही ते तयारच आहोत, त्याची भूमिका आम्ही मगाशी स्पष्ट केली। आणि वेळ आलं तर सेनेने आम्हाला बाहेरून पाठिंबा मागितला तरी ते आम्ही द्यायला तयार आहोत महाविकास आघाडीसाठी,
महाविकास आघाडीसाठी, पण या ठिकाणी काही गडबड त्यांच्याकडून झाली, काही झालं तर आम्हाला विरोधात बसायला आम्ही मगाई सकाळीच आम्ही ही भूमिका मांडलेली. महाविकास आघाडी सरकार को मदद करने की भूमिका स्पष्ट है. समय आए तो हम बाहर से भी मदद महाविकास आघाड़ी को दे सकते हैं. उनका देखो, हमने कहा, हमने एक बार स्पष्ट कर दिया कि ये सब मामला जो है ये महाभारत बीजेपी ने बनाया है, और बीजेपी क्यों छुप के बैठी है ये सवाल हमारा है. बीजेपी क्यों नहीं जवाब देती है जनता को, इस तरह से महाराष्ट्र में अस्थिरता पैदा कर महाराष्ट्र की जनता का जो नुकसान बीजेपी के माध्यम से हो रहा है और बीजेपी चुप बैठी है, उसके पीछे ईडी का जो राजकारण कर जिस तरह से दहशत और लोकशाही का जो खून करने का काम जो बीजेपी कर रही है वो आज क्यों शांत बैठी है, ये सवाल कांग्रेस उनको पूछती है. हमेला खवातीन और औरतों के दिगर अमराज बांझपन के इलाज के लिए फैमिली प्लानिंग की मशवरात के लिए बेहतरीन आलात की सहूलत में नॉर्मल और ऑपरेशन से बच्चों की पैदाइश के लिए और जदगी के साथ साथ औरतों के दिगर अमराज के इलाज के लिए खुसूसी नज़्म. केरला के मल्टी स्पेशलिटी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के तजुर्बेकार डॉक्टर खान सारा नुदरत, मावीन मटर्निटी एंड नर्सिंग होम, चावलवाला कॉम्प्लेक्स, SBI बैंक के ऊपर, देगलू नाका, नांदेड़. महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ वोकेशनल एजुकेशन मुंबई से मंजूर शुदा कोर्सेज: डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन प्रोफेशनल ब्यूटिशियन. दाखिलों में जल्दी कीजिए. ग्लोबल पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट विद रेसिडेंसी, माल्टेगरी रोड, नांदेड़. हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है. प्रोपराइटर मौलाना मोहम्मद शबीर अहमद साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगरी रोड, कामठा, नांदेड़. अपने घर को खूबसूरत बनाने के लिए अब नांदेड़ में सागवान, इंजीस और नागपुरी सीमेंट के खूबसूरत डिजाइन और कलरफुल मजबूत चौखटें अभी खरीदे. गजानन हार्डवेयर, मालेगांव रोड, गीते पेट्रोल पंप के करीब, नांदेड़. अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान खान. हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा. लेटेस्ट न्यूज के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज, और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें.